just finished. ये काम तो हो गया। देखियो बाद में आपको। फोनर कैसे? फोनर कैसे? यहाँ पे तुम्हें नेबर है? हाँ। ये मेरे। ये बहुत छोटी है ना? क्या थोड़ा हिला मत ना यार। फेयर इनफ। सर आप एंड शान कैन वी ऑल कम टुगेदर फॉर अ पिक्चर? या लेट देम जस्ट पुट सम। शान कम विद हिम ना। आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना, आगे नहीं जाना। दिखी नहीं रहे। नीचे बैठो, नीचे नीचे बैठो। उधर आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पे हमने आज जो पेड़ लगाए, पहले अनिल जी सर के साथ में लगाए, अभी मैडम आ गई है, काफ़ी आप सब लोग आए हैं। तो बेसिकली अपना ये जो मोटिव है, अडॉप्ट अ वॉलंट्री पिट एंड बी अ गार्डन ऑफ नेचर, ये इस बहाने से है क्योंकि साइक्लोन में इतना बड़ा नुकसान हो गया, पर्यावरण का अपना इतना नुकसान हो रहा है। तो एक जगह पर अर्बन गवर्नेंस आ रहा है और एक जगह पर एनवायरनमेंट है, इन दोनों को मिला के हमको कैसे आगे जा सकते हैं ताकि अपने बेटरमेंट ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट की तरफ कैसे जा सके। इसलिए इस अवसर पे हमने आज ये पेड़ लगाए हैं। इसका कंसेप्ट यही है कि नज़दीक में जो भी आप रेजिडेंट रहते हैं, उन्होंने वो जो वॉलंट्री फीट अडॉप्ट करना है उसको पेड़ अगर करना है यही है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आनी चाहिए, सेंस ऑफ ओनरशिप की तरफ से हमको ये आगे मुहिम चलानी है। तो ये आज का अपना ये अश्टोर, आप क्या कहना चाहेंगे? सो गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। थैंक यू। और कितना सही इनिशिएटिव मानती हैं आप जब हम बोलते हैं कि ऑनरशिप लेनी है हमें? बीएमसी तो अपना काम कर रही है, उन्होंने पेड़ लगा दिया, कोई जिम्मेदारी ले जो रोज उसे पानी दे, उसका टेक केयर करे, क्या कहना चाहेंगे? एब्सोल्युटली, एंड आई गेस दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू बी हियर, स्पेशली ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एंड आई वुड जस्ट वांट टू से दैट गवर्नमेंट अपना काम करती है, बट वी पीपल मेक द सिटी वॉट इट इज़, एंड इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ आर एनवायरमेंट, ऑफ आर सराउंडिंग्स, बिकॉज द गवर्नमेंट कांट रीच आउट टू एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी, बट वी आर प्रेजेंट इन एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी। सो वी शुड टेक केयर ऑफ आर सराउंडिंग्स, एंड ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ साइक्लोन टॉक्टे वी हैड ग्रेट डिस्ट्रक्शन, वी हैड रैवेजिंग विंड्स, वी हैड हैवी रेनफॉल्स विच कॉज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन नॉट ओनली टू लाइफ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बट मोर इम्पॉर्टेंट टू द इन्वायरमेंट। वी हैड विंड स्पीड, आई गेट द ग्रेटेस्ट रिकॉर्डेड विंड स्पीड वॉज 114 kmph। वी हैड ट्री फॉलन कंप्लेन्स अबाउट 2,364 एज मच एज आई रिमेंबर, एंड दीज आर जस्ट द कंप्लेन्स, बट वी कैन नो हाउ मेनी मोर ट्रीज वो हैव फॉलन जिसके कंप्लेन्स अभी तक हमें पता नहीं है। सो इट इज़ ऑब्वियसली जो भी लाइफ डिस्ट्रक्शन हुई है उनको तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, बट एटलीस्ट वी कैन गिव मदर नेचर बैक वट यू नो द साइक्लोन हैज स्टोलन फ्रॉम इट। सो वी कैन रिक्रिएट द एनवायरमेंट, वी कैन हैव अ सस्टेनेबल एनवायरमेंट, एंड हम सबको पता ही है कि अभी ऑक्सीजन की भी कितनी कमी हो रही है, not just due to COVID but any which ways we are having a very polluted environment. The normal people are suffering due to environment lack and all of, and due to oxygen lack. So it is very important that we plant trees not only for the environment but also for us, for us to live sustainably and for our future generations to live sustainably. How you want to spread the awareness? You know, the initiative is already started and you are part of it. आपकी इंडस्ट्री में की मैं बात करूं तो वहां कैसे अवेयरनेस की एक ये मेरा इनिशिएटिव है, दिस इज फ्रॉम अश्नू, हाउ यू गोइंग टू स्प्रेड द वर्ड? सी देयर आर पीपल हु आर फेमस, देयर आर पीपल हु हैव अ फैन फॉलोइंग, बट देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु यूज इट इन द करेक्ट वे। सो आई वुड से दैट आई वुड वांट टू बी रिस्पांसिबल इनफ एंड आई वुड वांट टू हैव द करेक्ट नॉलेज टू स्प्रेड इट दैट वे।
बिकॉज देयर आर पीपल हु लुक अप टू अस. तो अगर आप खुद में चेंज करोगे तभी आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो द पीपल हु लुक अप टू यू, इवन दे विल इनकल्केट दोज चेंजेस. सो आई वुड वांट टू स्टार्ट बाय माई सेल्फ. आई प्लांट वन सैपलिंग एवरी ईयर, बट नाउ आई थिंक आई एम गोइंग टू डू दैट एवरी मंथ and take care of it as well. And I would want all of you to also please take this initiative, and even if you don't want to plant, at least take care of the plants that are already planted around you. Amit sir, what's your take? No, I think what Ashwin said is brilliant, because you practice what you preach. You start, and charity begins at home. So A, adopt a fallen tree, as Vishwas ji said, and B, jo already existing पर्यावरण में जो हमारे आस पास के जो plants हैं उनकी और देखभाल करें. The green cover in Mumbai is slowly depleting. There's a lot of land being reclaimed. We already, like she said, that there's been a depletion of the ozone layer, also the greenhouse effect and stuff. So all this is going to be adding to, you know, these small initiatives on a local level, then to a state level, to a national level. We'll obviously build the, you know, the world green cover, and we should, you know, and I live in one of the greenest areas of Mumbai, which is, you know, in Goregaon East. But we, in my complex, we had about 100 trees falling, and luckily the residents and you know, people from the BMC and the maintenance, they came together and resurrected the trees again, and it's you know, woken us up, and this is again a second wake up, or it's an alarm. Okay, now let's do this again, and then let's not just stop it at this. Continue this. What will be your way of spreading the awareness among you, as you said? Per se, I'm not very active on social media, but the thing is that I, my association has got about 10,000 actors, from Mr. Bachchan to the smallest actor, which could be me. And I'm definitely going to use Cinta social media handles, and Anusha, of course, are you know, it's a great support for Cinta. She's also a PR person, and bring this awareness among our fraternity primarily. And once the actors become the poster boys of the media and entertainment industry, if we take a lead, like we've done in other things, so the other faculties of the media industry will follow. And obviously, we will become a green industry, and we function in one of the greenest zones of Mumbai, which is Film City. जिस तरीके से विश्वास साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है दादा, इट्स अमेजिंग अमेजिंग वर्क. आपने सुना अश्नूर जी ने कहा, भाई साहब ने कहा, द फैक्ट इज, मैं जैसे हमेशा कहता हूँ, दो चीज हिंदुस्तान की आवाम तक ज़रूर पहुँचती है, एक एक्टर्स की आवाज़ और एक ऊपर वाले का डर. दादा एक छोटा सा थॉट था, अगर आप परमिट करें, जिस तरीके से आज किसी के घर में भी, हमारे घर में डेथ होती है, क्यों नहीं बीएमसी को एक मुहिम उठाए कि जब कोई बॉडी को स्मशान भूमि पर आती है, उनसे एक कमिटमेंट ले कि वो एक पेड़ कहीं ना कहीं ज़रूर लगाएंगे. इट कैन रियली क्रिएट अ बेटर अवेयरनेस एज वेल. हर कोई सक्षम है दादा, और कोई ऐसा मना नहीं करेगा आपको. वी कैन थिंक अबाउट इट. ओके अश्नू, द लास्ट वन टू यू. इतना वेल प्रिपेयर होके आती हैं आप, इतनी स्टडी करके आती हैं, और मीडिया से इंटरेक्ट करती हैं, किसके क्या गाइडेंस, क्या कहाँ से आता है इंस्पिरेशन? यू नो व्हाट टू स्पीक, यू नो द नंबर्स, यू नो कितने पेड़ गिरे हैं, क्या होना है, और टेक्निकल उजान वहाँ वहाँ से लिखा. सो आई गेस कहीं से आता नहीं है, इट्स ऑलवेज द थिंग इनसाइड यू. Because you know, I see so many people, you know, having this perception that if you're an actor, you can't be diligent. So first thing that I did, and I take strong objection to that. I know, right? And I took that so much to my heart that I remember I was in 10th last to last year, and while doing Patiala Babes, I thought ki mujhe 90 above lane hai kaise bhi karke. Despite shooting for 12 hours every day, I scored 93%. So that way, I've always tried to be very you know, knowledgeable about the general affairs and knowing what to speak, because it's only when you give the correct message that the audience will perceive the correct message. And I feel it's my responsibility as an actor, as a public figure, to always present the facts to the audience, and you know, just inculcate something that okay, hame bhi environment ke liye kuch karna hai, ya hame bhi wo cheez karni hai. So I guess yeah, that's it. Anusha ji, कैसे चुनते हैं आप लोगों को? सब बुद्धिजीवी लोग ही आते हैं. एक्चुअली आई थिंक हम सब बुद्धिजीवी हैं. आपसे बेहतर कौन है भाई? हम सब बुद्धिजीवी हैं, और ये इम्पोर्टेंट है कि हम सब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ही उठाएं. मैं चाहती हूँ कि आपके हाथ में एक एक पौधा देते हैं हम इस इवेंट के बाद, और हर जर्नलिस्ट अगर एक पौधा लगाता है और ये स्टोरी को मैक्सिमम रीच देता है,
तो उतने ज़्यादा लोग पेड़ लगाने लगते हैं। हेमा जी ने बोला था हर आदमी को 25 पेड़ लगाना चाहिए, हम सब जिसने बाइट लिया हर एक को भी 25 पेड़ और लगाना चाहिए। लास्ट आपसे पूछ के ख़त्म करूंगा विश्वास जी, आप मान रहे हैं कि आप ये छोटे से शुरू किया था, बड़ा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और सब इंटेलिजेंट लोग। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी जो टीम है जो हमेशा बीएमसी काम करती है तो कभी कभी एक्नॉलेजमेंट मिलता है, तो इस माध्यम से जब एक्नॉलेज मिलता है तो और भी हमारा टीम का स्पिरिट है वो बूस्ट हो जाता है और मोटिवेट होते हैं। इसी बहाने से लेके जो अर्बन गवर्नेंस में जो बदलाव आना चाहिए वो हम लाने के लिए और ग्रीनरी बढ़ाने के लिए हम हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे, बस यही कहूँ। सर एक लास्ट क्वेश्चन मुझे शान से पूछना है, शान प्लीज टेल अस अबाउट द प्लांट्स दैट वी आर प्लांटिंग। तो ये जो सर ने टेकन द इनिशिएटिव, यहाँ पे 41 नेटिव ट्रीज सर ने सेलेक्ट किए हैं, ट्रीज दैट आर गोना हेल्प योर लोकल फ्लोरा योर फौना, ऑल ऑफ दीज हैव बीन वेरी केयरफुली सेलेक्टेड पिट वाइज, द पिट हैज बीन वेरी प्रॉपरली डग अप 3-3.5 feet करके, क्लीन अप करके, ओल्ड स्टॉक्स क्लीन करके, इट्स अ रियली नाइस वे ऑफ डूइंग इट। आई माईसेल्फ एम अ हॉर्टिकल्चरिस्ट, आई एम हेल्पिंग द टीम select the plants and go through this whole process well. Thank you. Thank you.